और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी पांच अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो इस साल लॉन्च होने वाली है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है ज़ैप का एक्वा ब्लूटूथ स्पीकर। दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक पॉकेट रॉकेट है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पूरा रबर से ये कवर्ड है, इसलिए अगर ये गिर भी जाता है तो इसको डैमेजेस नहीं आते हैं। और ये IP67 सर्टिफाइड है, मतलब ये एक वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ स्पीकर है। आप अगर इसको बारिश में भी नॉन स्टॉप यूज़ करोगे तो इसको कुछ नहीं होगा, और आप इसको अपने मिरर पर भी स्टिक करके म्यूज़िक के मज़े ले सकते हो। ये iOS, Android और Windows में भी कनेक्ट हो जाता है, और एक चार्ज में ये 5 से 6 घंटे चल जाता है। और अगर आप इसको रुक रुक के यूज़ करोगे तो फिर ये आराम से 1-2 दिन भी चल जाता है। इसका साउंड और बेस एकदम बेस्ट। और इसके साथ आपको USB और AUX की केबल्स भी मिल जाएंगी। बाकी दोस्तों, ये ज़ैप का एक्वा ब्लूटूथ स्पीकर आप सभी के लिए एक पैसा वसूल स्पीकर रहेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर क्लिक करके इसको खरीद सकते हो। और दोस्तों, आप मेरा कूपन कोड डालना मत भूलना। कूपन कोड है आदित्य10, और इस कूपन कोड को डालने से आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली अपकमिंग बाइक है यामाहा XSR155। दोस्तों, इस बाइक का इंतज़ार काफ़ी यंगस्टर्स कर रहे हैं, और ये बाइक दिखने में भी बॉबर बाइक जैसी लगती है। इसमें फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिलती है, और पीछे आपको राउंड LED टेल लाइट मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स ही मिलेंगे। बाकी इंजन इसमें आपको मिलता है 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-वाल्व SOHC BS6 इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर रहेगा 18.6 PS और मैक्सिमम टॉर्क रहेगा 14.1 Nm का, और 6-स्पीड गियरबॉक्स आपको इसमें मिलेगा। दोस्तों, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको मिलेगा, जिसमें आपको ब्लू बैकलाइट भी मिलता है, और आपको सारे बेसिक फीचर्स और मोड भी मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। यहाँ आपको USD फोक्स दिख रहा होगा, लेकिन इंडियन मार्केट में जब ये बाइक लॉन्च होगी तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलेगा, और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, और यूनिबॉडी सिंगल सीट इसमें आपको मिलती है, जो काफ़ी कंफर्टेबल और रिलैक्स है। बाइक की प्राइस के बारे में बात किया जाए तो इसका प्राइस रहेगा 1,45,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और फेस्टिवल सीजन तक ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसा वसूल बाइक रहेगी। बाकी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर ये बाइक लॉन्च होगी तो आप इसको लेना पसंद करोगे कि नहीं। दूसरे नंबर पर आती है होंडा CB 190R। दोस्तों, इस बाइक का लुक्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और मस्कुलर है। इनफैक्ट इसका जो टैंक है वो अलग ही इसके लुक्स में जान डाल रहा है, और एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये एक बढ़िया नेकेड बाइक रहने वाली है। सामने आपको LED हेडलाइट मिलती है, और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है। इसमें आपको LED इंडिकेटर्स मिलेंगे, जिससे बाइक का लुक्स और इम्प्रूव हो जाता है। बाइक के सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और 100 Section 80 का टायर मिल जाता है, और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन और 130 Section 80 का टायर मिलता है। बाकी इंजन इसमें लगाया गया है 190cc का सिंगल सिलेंडर 4-वाल्व लिक्विड कूल्ड DOHC BS6 इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 20 bhp और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 15.3 Nm का, और 6-स्पीड गियरबॉक्स आपको इसमें मिलता है। दोस्तों, सिटिंग पोस्चर इसका अपराइट है, और यूनिबॉडी सिंगल सीट इसमें आपको मिलती है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल और वेल कुशन्ड है। आप आराम से 3 से 4 घंटे बैठकर राइड कर सकते हो बिना किसी पेनिंग के। दोस्तों, इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा 95,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और नवंबर तक होंडा अपनी CB190R को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देगी। और अगर ये बाइक 1,00,000 रुपये के अंदर में आ जाएगी तो फिर ये काफ़ी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी बाइक रहेगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आपको इस बाइक का लुक्स कैसा लगा। तीसरे नंबर पर आती है बजाज पल्सर RS 400। दोस्तों, इस न्यूज ने बजाज लवर्स को अट्रैक्ट कर लिया है, और सभी बंदों को RS 400 का इंतजार है, क्योंकि उन्हें पता है जिस तरह से RS 200 फेमस हुई थी, उसी तरह RS 400 भी होगी, क्योंकि बजाज अपनी बाइक्स को अलग ही लेवल का डिजाइन देती है।
दोस्तों इसमें आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे और इसका लुक्स RS200 से डिफरेंट होने वाला है। आपको फेयरिंग में चेंजेस देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलेगा, LED हेडलाइट मिलेगी और पीछे आपको डोमिनार इंस्पायर्ड LED टेल लाइट मिलेगी। बाकी दोस्तों अभी इंस्ट्रूमेंट कंसोल कंफर्म नहीं है, आपको डिजिटल मीटर भी मिल सकता है या फिर आपको TFT कंसोल मिलेगा। फ्रंट में आपको USD फोक सस्पेंशन मिलेगा और 110 सेक्शन 70 का टायर मिलेगा। वहीं पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है और 150 सेक्शन 60 का टायर मिलेगा। दोस्तों इंजन इसमें आपको डोमिनार 400 का आता है, 373.3 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड DOHC FIBS6 इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर रहेगा 40 PS और मैक्सिमम टॉर्क रहेगा 35 न्यूटन मीटर का। स्प्लिटेड सीट इसमें आपको मिलेगी और दोनों ही सीट्स वेल कुशन्ड और कंफर्टेबल है। बाकी दोस्तों जो बंदा एक 400 cc की बाइक लेने का सोच रहा है तो उसके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो RS400, क्योंकि बजाज एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम पे करना होगा और आपको इसके पार्ट्स भी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 210,000 एक्स शोरूम और फेस्टिवल सीजन में ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि अभी COVID-19 की वजह से मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आपको RS400 का लुक्स कैसा लगा। फोर्थ नंबर पर आती है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। दोस्तों ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली काफ़ी बढ़िया बाइक रहने वाली है और ये एक बजट फ्रेंडली बाइक रहेगी। थंडरबर्ड 350X जैसा इसका डिज़ाइन रहेगा, बस आपको थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलेगा और विंड ब्लास्ट के लिए आपको बड़ा सा वाइजर मिलेगा। यूनिबॉडी सिंगल सीट मिलेगी और 3-4 नए कलर्स के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और 90 सेक्शन 90 का टायर मिलता है। वहीं पीछे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है और 110 सेक्शन 90 का टायर मिलता है। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी इस बाइक की काफ़ी बढ़िया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको डिजिटल कंसोल मिलेगा। बाकी इस बाइक में लगाया गया है 346 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड FIBS6 इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 20 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 28 न्यूटन मीटर का। बाकी रॉयल एनफील्ड लवर्स को पता है कि इस बाइक का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस और माइलेज आप इस बाइक से गेन कर सकते हो। दोस्तों सीट इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है और एमरजेंसी पड़ने पर आप 3 लोग बैठकर भी आराम से राइड कर सकते हो। दोस्तों इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 160,000 एक्स शोरूम और जुलाई तक ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। पांचवी और आखिरी बाइक है TVS जेपलिन। दोस्तों इस बाइक का इंतजार काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन COVID-19 की वजह से इसकी लॉन्च डिले हो रही है। ये TVS की तरफ से आने वाली एक क्रूजर बाइक है और एक क्रूजर बाइक के हिसाब से इस बाइक का लुक्स काफी बढ़िया है। सामने आपको LED हेडलाइट मिलती है और उसी के बाजू में आपको एक छोटा सा HD कैमरा भी मिलता है, जिससे आप अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर सकते हो, और पीछे आपको LED टेल लाइट भी मिलती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको डिजिटल मिलता है और इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी और TVS ने इस बाइक में वो सारे फीचर्स दिए हैं जो एक क्रूजर बाइक में आते हैं, और आपकी सेफ्टी के लिए डुअल चैनल ABS इसमें लगाया गया है। बाकी इंजन इसमें आपको मिलता है 220 cc का सिंगल सिलेंडर विथ 1200 वोल्ट बैटरी, क्योंकि दोस्तों ये कोई पेट्रोल वाली बाइक नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि ये एक पॉल्यूशन फ्री बाइक रहेगी। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इसकी सीट कंफर्टेबल तो है लेकिन थोड़ी सी छोटी है, इसलिए 2 लोग ही आराम से। इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 150,000 एक्स शोरूम और सितंबर तक कंफर्म TVS अपनी जेपलिन को लॉन्च कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो। और दोस्तों आप जैप का एक्वा ब्लूटूथ स्पीकर लेना मत भूलना, क्योंकि वो आप सभी के लिए काफ़ी बढ़िया स्पीकर रहेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। और आप आदित्य10 कूपन कोड डालना मत भूलना, क्योंकि उसकी वजह से ही आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी के लिए थैंक्स।
टिल देन वेट फॉर माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़।